बहुत दुख हुआ। Shit man. Outstanding woman. और ये आज इसने साबित कर दिया। गिर गया। Very good. ऐसे पढ़ना है रोज। क्यों? वो लास्ट डे आज तो तू फुल दिल वाली हो रही है। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तुम भी तुम माय न्यू ब्लॉग तो आज का लोग बहुत ही मजेदार होने क्योंकि आज मजेदार हो चुका है गाइस। आज चीकू ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे मेरा दिल गार्डन हो गया है। मम्मा हां आपने मेरे साथ प्रैंक खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो गाइज हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। चीकू मैं नहा रही थी, चीकू आया एकदम मेरे को ढूंढने लगा मम्मा का है। तो जैसे मैं आई ना नहा के शावर लेके तो आया मेरे पास, कह रहा मम्मा आज मैं फेल हो गया। मेरे को थोड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर इसने थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा तेरा पेपर दिखा कहाँ है, तो इसने पेपर ना यहाँ तक क्योंकि नीचे छुपा रखा था। तो गाइज फर्स्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है मेरे बच्चे की, 3 स्टार मिला है और मेरे बच्चे में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है गाइस। पहले से पढ़ाई में बहुत अच्छा होता जा रहा है और भगवान करे मेरा बच्चा जो है टचवुड ऐसे ही अच्छा होता रहे। और 3 और 2 और खुशियां। मम्मा मैं लंच फिनिश करके आया हूं। हां गाइस आज इसने लंच पूरा फिनिश किया। सुबह व्लॉग स्टार्ट करना हमने आज नहीं किया था। एक मिनट को बोलने दो, पहले मेरे को बोलने दो, पहले मेरे को एप्पल दिखाया मैंने। हाँ एप्पल, सिर्फ एप्पल नहीं खाया, वो मुझे लग ही रहा था कि एप्पल नहीं खा के आएगा। बाकी मैंने इसे राजमा चावल दिए थे मम्मा और खा नहीं पाया क्योंकि ऊपर पिघल गए। दिखाइयो ओरियो में इसका राजमा चला गया। शिट मैन, ये तो बहुत ही तूफान सा मच गया लंच में। मैंने बोला ये लड़का बहुत होशियार है और ये आज इसने साबित कर दिया। मैम आज बड़ी खुशी की बात है। मैम मैम एक दुख की बात भी है, बताओ कौन सी बताऊं। मैम आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग आया मैम, देख लो। हाँ मैम आउटस्टैंडिंग आया टेस्ट में, देखो तो। देखो 3 स्टार मिले आज। देखो मैम आउटस्टैंडिंग 3 स्टार और आई नो नेमिंग वर्ड्स। मैम आज तो पार्टी दे आओ। पार्टी क्या, तू देगा पार्टी मैम को? मैम थोड़ी देंगी। और यहाँ पे ना ये भी चिपकली भी जो है मेरे पास ही लेटी हुई है अभी भी। ये देखो कैसे चुंदरू पुंदरू कर रही है। तो गोलू ना दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रही है क्योंकि जैद को ना हमने बहुत ही अच्छे से ना उसका झूला निकाल के उसके झूले में सुलाया। मैंने आज सोचा कि वो झूले में ना थोड़ा ना अच्छे से रिलैक्स फील करेगा, तो मैंने ऊपर से 2 तकिए उतारे, वहाँ दूसरे वाले घर से झूला लेके आई, झूला लगाया, वो झूले में सो रहा है। और मेरी ट्रिक काम कर गई है, भगवान इस ट्रिक को नजर ना लगे और मेरा बच्चा जो है आराम से सोता रहे। इतनी नीचे है हमारा फ्लोर, वो 13 फ्लोर से ऐसा नजारा दिखता है कि भाई एक बार गिरा ना बंदे पूरा सिर गिर जाए, टांग डूंगे सब कुछ टूट जाए। तो गाइस जब हम आ गए गाड़ी में सीधा आपको मिलते हैं ट्यूशन। मैम ने गेट लॉक कर दी, शुक्र है कैमरा चल रहा था। मम्मा तो आ गए थे, देखते हैं क्या रहते हैं। मैम कहाँ हो? वेरी गुड ऐसे पढ़ना है रोज, ठीक है। अभी बच्चे आएंगे तो क्लाइंबिंग करवाऊंगी मैं सबसे, है ना। फुल शर्मा रहा है चीकू। हैप्पी हो? मेरे आउटस्टैंडिंग आया, मुझे ड्रोन चाहिए, ड्रोन लेके आओ मेरे लिए। ठीक है लेके आ रहा। हाँ ठीक है, बच्चों वाला ले आना। ठीक है ओके, बड़ा लेके आना, ज्यादा ज्यादा लेके आना। ठीक है मैम ऐसे तो डेली लेके आता हूँ, डेली मांगे कुछ नया नया, कल तो आया था बिल्कुल स्टडी से रिलेटेड है। तो ठीक है मैं बताती हूँ इसको क्या लेके। अभी मैं जो अभी मैंने इसको लेके तो राइटिंग बुक। ठीक है यार, जब मैं अगली बार आउटस्टैंडिंग आऊंगा जब मिलूंगा मैं राइटिंग बुक। देखो ऐसे होता है हमारे स्कूल में, ऐसा होता है जैसे हम डेली अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, जब हमें बहुत एक दिन में हमें फुल मार्क्स आते थे ना, तो आपको मिलता था एक रबड़ मिलती थी आपको 100 रुपए। कुछ नहीं मांगते थे, गिफ्ट ही होता है। हम कुछ नहीं मांगते, हम होता था कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। मैं तो जो है दूंगा वो। ड्रोन तो कब मिलेगा जब आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओगे? ड्रोन तब मिलेगा। मैं तो अभी फर्स्ट क्लास में आउटस्टैंडिंग आया हूं। मैं
पूरी क्लास में फर्स्ट आओगे? पूरी क्लास में फर्स्ट आओ ना सारे से फाइनल पेपरों में, फाइनल एग्जाम ज्वाइन करो। फाइनल एग्जाम में क्यों 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 क्यों? वो लास्ट डे होता है ना आपकी क्लास का। पापा से मांगियो कुछ। पापा से दिलवाएंगे कोई गाड़ी घोड़ी? गाड़ी लेंगे। गाड़ी तो आपके लिए रेडी हो रही है। कौन सी वाली? वही फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर कौन सी? फॉर्च्यूनर दिखाई तो थी आपको कल। उसमें पूरा आपका टीवी टू भी लगेगा, आराम से बैठोगे। और मेरे लिए आ रहे हैं बहुत सारे और गिफ्ट, और आज मुझे फुल गिफ्ट मिले। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल बैग ले दूं? मैम वो तो बहुत पड़े हैं। स्टडी से रिलेटेड ले दो। मैम मुझे जो चाहिए ना वो लंच बॉक्स ले दो। मैम वाटर बॉटल ले दो। लेके आओ सब कुछ जो आप बोल रहे हो। ऐसे तो सबके पास सब कुछ होता है, क्यों लक्ष्य? सही बात है ना? नहीं मैम, तो गिफ्ट तो हम अपनी पसंद से लेकर देंगे ना। नहीं आप इसको मत पूछो, आपका जो मन करा वो इसको ना गिफ्ट रैप पे पैक करके दे दो। ठीक है। क्या है? तो गाइज आगे हैं हम चीकू को लेने ट्यूशन पे, चलते हैं उसको ऊपर लेने के लिए। भाई साहब, भाई साहब सुन रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख लो? चल ले भाई यार, कब से वेट कर रही हूँ यार तेरी। हटो। क्या हुआ? दिलवा क्या टॉय? मैं दिलाऊं? चल चल सारे दिलवाएंगे आज। क्या सारे दिलवाएंगे? चलो ठीक है। क्या हो रहा है चिकू? ये रख दे, देना। लड़की है क्या चिकू तू? हाँ लड़की हूँ मैं। गाइस मेरे लिए ना मम्मा ने बहुत सारे सामान मंगवाया था बैंड से, रिबन से, और उन्होंने स्पेशली ना तूबा के लिए इतने क्यूट क्यूट बैंड भेजे हैं। इसके लिए क्यूट सा गॉगल है, और ये एक एवोकाडो बना हुआ है, इसके लिए प्यारी सी बॉटल है, और एक तीन छोटे छोटे ब्रश है। वैसे ये है, ये तूबा आयान और जैद की है, छोटे छोटे भी है, तो ये आप भी यूज करोगे? तो ये यूज करेगा इसको ना, एक स्क्रैच पेंसिल बुक। स्क्रैच पेंसिल बुक है, देखो मैंने तो आज तक यूज नहीं करी स्क्रैच पेंटिंग। इसको स्क्रैच करेंगे ना पेंटिंग बाहर आएगी। और दो प्यारे प्यारे लिप बाम है, तूबा के लिए बैंड्स है, और ये चीकू की कॉम है गर्ल्स वाली, पिंक कलर की आप गर्ल्स वाली कॉम यूज करोगे। और एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगी, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी ना, ये है रोलिंग वाले क्रेयॉन्स। बताओ अक्सर क्या होता है, जैसे बच्चे ना क्रेयॉन्स करते हैं ना ऐसे करके, तो वो क्रेयॉन्स टूट जाते हैं, हर किसी के घर में होता है, हमसे भी टूट जाते हैं। पर इसकी क्या क्वालिटी है, जितने आपको निकालने हैं ना आप उतने ही क्रेयॉन्स निकालो और फिर कलर करो, और इससे क्या क्रेयॉन्स भी लंबे टाइम चलेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। उसमें सारे शेड्स है, बहुत ही प्यारे क्रेयॉन्स है ये। और एक फैन है, और पेंसिल है, मिरर है, मिरर फैन है, ठीक है, और एक पेंसिल है ये, और दो मिरर है। तो ये है एक और चीज थी, और एक चीज ये है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये पेन है, ये कैसा पेन है, ये ना एक बार यूज करने के बाद ही पता चलेगा कैसा पेन है। पेन नहीं मम्मा, ये हाइलाइटर। हाँ हाइलाइटर है। तो गाइस एक ये फैन है, देखो ये फैन है, मैंने ऐसे कारपेट हटा दिया है, परमानेंट ही हटा ली है, तो है ना हम यहाँ पे, नहीं तो कारपेट हमेशा बाग बाग के उठानी पड़ती है यहाँ से भी। कारपेट पता कब लगाएंगे? सर्दियों में। हाँ जब बारिश आनी बंद हो जाएगी मंदिर के वहाँ की। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, गुल्लू बोल अपने मंदिर वाली कारपेट का है, फरफर वाली? हाँ कहीं संभाल के रखी है किसी ने? कहाँ संभाल के रखी? ये नहीं होता किसने कहाँ पे रखी है। आज तो तू फुल दिल वाली हो रही है, दिल दिल सुंदर लग रहा है। तो गाइज मैंने ना बहुत ही प्यारा मैक्स हॉल बनाया है टॉप विद कृतिका पे, ठीक है आप जरूर जाके देखना। वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल जो मैंने कुर्ती पहनी है ना, ऐसी मैंने बहुत 10-12 कुर्ती ली है, और उनके रेट भी बताए हैं, और कहाँ से लिए वो भी बताया, और कैसा फैब्रिक है वो भी बताया, डिजाइन बताया, सब कुछ बताया। और आप लोगों को भी ऐसा कुछ लेना है तो आप हमारे टॉप विद कृतिका पे जाना, और वहाँ पे वो व्लॉग देखना टॉप विद कृतिका एंड पहले, हाँ उस पे देखना, और आपको पता लगेगा कि हमने क्या खरीदा और कितने में। तो गाइस चीकू को टाइम से सुला दिया था हमने, 9 बजे, 8:30 या 9 बजे के करीब सुला दिया था, तो वो सो गया था टाइम से, उसका ब्लॉग रह गया था आधा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बात मैं कर लेती हूँ आपसे। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है उसमें पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है पढ़ाई में, पढ़ाई को लेके वो अब रेगुलर हो रहा है, ट्यूशन भी रेगुलर जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है। तो इतना अच्छा लगता है जब बच्चा ना खुश होकर आता ना स्कूल से, ये मम्मा मुझे 3 स्टार मिले हैं, और अच्छा लगा बहुत। उसकी मैम को भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना उनकी मैम से बस एक ही बात कहनी है कि बस आप हो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चे को जो है आपने वापस से है ट्रैक पे ले आए हैं, और इतना अच्छा जो वो अभी परफॉर्म कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से कर पा रहा है। तो ये व्लॉग मैम भी देखेंगे, मैम आई लव यू।
तो यहाँ पे जो है चीकू मड़ाई दे रहा है, इसकी आधी नींद तो पूरी हो गई है गाइस। अभी अभी ना ध्रुवा के पैर पे हमने काला धागा बांधा है ताकि हमारी बच्ची को जो है ना किसी की बुरी नजर ना लगे। यहाँ पे जैद को भी और उधर अयान को भी, दोनों को हमने धागा पहना दिया। तो मैंने सोचा कि चीकू के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चीकू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, और जैसे प्यार दे रहे हो चीकू को वैसे ही आगे भी देते रहना।